हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं मिश्रा टीचर एक बार फिर से आपको आठवीं का मैथ का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूं, जो कि लेक्चर नंबर 10 है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो है लेसन नंबर 5 का प्रैक्टिस सेट 5.4 का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैं फटाफट आपके सामने बुक लेकर आती हूँ। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है ये सूत्र निकाला था, और ये जो आप देख पा रहे हो ये सूत्र निकाला था, और इसके नीचे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4। ये 4 में जो दो सवाल दिए हुए हैं देखने में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन बहुत ही सरल हैं, और दिमाग बस आपको थोड़ा सा यूज़ करना है, और फटाफट सूत्र याद है तो आप फटाफट इस सवाल को, इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम एक एक सवाल उठाते हैं और क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं बगल में बुक रख लेती हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, प्रॉब्लम को लिख सकूँ। तो पहला सवाल जो है क्या दिया हुआ है, विस्तार कीजिए, जिसमें क्या दिया है, विस्तार कीजिए। तो इसमें पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि 2p + q + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम 2 प्लस इसका क्या करते हैं सर, इसको हमें पता है कि सूत्र मैं आपको लिख दूँ, a + b + c, तीन पद वाले इसका होल स्क्वायर। तो क्या सूत्र था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है फ्रेंड, इसी सूत्र पे हमारा ये सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा। तो हम इसी सूत्र पे इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। तो हम सूत्र पे लिखते हैं, तो इस आधार पे क्या करेंगे, a² = 2p² + b² = q² + c² = 5 के स्क्वायर + 2ab (2a = 2p) और b (q) + 2bc (5) = 2c (5) = 5 ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा इतना। तो हम इसको और सरल करते हैं, तो 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर = 4p² + q² + 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4 क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा, प्लस 5 × 2 = 10 q हो जाएगा, प्लस 5 × 2 = 10 5 × 2 = 10 × 20 हो जाएगा, 20p हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से सूत्र पे हमें क्या करना है, मान रख के विस्तारित कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको लाइक नहीं करना है तो मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। तो आगे देखते हैं, ये हमारा पहला प्रॉब्लम का पहला सब क्वेश्चन, दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है, m + 2n + 3r² ये भी सेम वैसा ही है, आप होमवर्क भी कर सकते हो, बिना देखे आप कीजिए, इसी सूत्र पे लगेगा। तो चलिए इसको विस्तारित करते हैं, a² = m² a² 2n² b² और 3r = c² + 2ab (m) × 2n + 2bc (2bc) + 2n × 3r + 2ca (3r) और = m। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया m² प्लस, इसको सरल करते हैं, 4n² + 9r² अब ये 9 कैसे हो गया, 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो गया, 3² है, इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। प्लस यहाँ पे देखिए 2m × 2n, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4mn हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है, 2 × 2n + 3r, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 12nr। प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्लस की साइन है, प्लस क्या है, 3 × 6 mr हो जाएगा। बस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब तीसरे पर आते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है, 3, आई होप आपको दिख रहा होना, दिखना बहुत ज़रूरी है आपको, 3 क्या है, 3x + 4y - 5p² ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसी सूत्र पे लिखते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो a² = 3x² a² + b² = 4y² और + c² - -5p² a² b² c² प्लस क्या हो जाएगा, 2ab, तो 2 × 3x और (4y), फिर प्लस 2bc 2
4y और मल्टीप्लाई बाय c कितना है माइनस 5p। ठीक है फ्रेंड्स, 2ab bc प्लस 2ca तो माइनस 5p और a क्या हो जाएगा 3x हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने क्या क्या सूत्र पैमान, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बस देखेंगे सवाल को फटाफट लिख लेंगे, सूत्र याद होना चाहिए। तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 4 × 4 16y का स्क्वायर, फिर ये क्या हो गया प्लस ये होगा 5 × 5 25 क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, प्लस इसके बाद क्या है 4 × 3 = 12 एक्स और वाई। ठीक है फ्रेंड, प्लस यहाँ पे क्या हो गया प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे क्योंकि माइनस 5p है, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये लास्ट में माइनस 5p है, तो क्या हो जाएगा 5 × 20 = 40 40 क्या हो गया वाई पी। फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 15 = 30 प्लस भी नहीं रहेगा, यहाँ पर भी माइनस होगा माइनस 30px। ठीक है फ्रेंड, तो साफ साफ लिख दें 9x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस 25p का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24xy माइनस 40py लिखिए या yp लिखिए, फिर माइनस 30px हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का तीसरा सब क्वेश्चन था। अब हम आते हैं, नया पेज लेते हैं ताकि आपको दिख सके। तो अब हम तीसरे पेज पर आते हैं। तो तीसरे में हमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पहले का चौथा, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्या है 7m माइनस 3n माइनस 4k। बिल्कुल भी डरना नहीं है कि ये तो माइनस में दिया है और सूत्र हमारा प्लस में है, कुछ नहीं करना, हमें वही सूत्र लगाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है फ्रेंड, यही सूत्र लिखना है। किस तरीके से हमें इसको विस्तारित करना है बस वो ध्यान देना, ये माइनस के चिन्ह रहेगा तो रहेगा, हम प्लस के साथ इसको लेकर चलेंगे। सॉरी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया 7m का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, प्लस की साइन हमने लिख दिया, बी स्क्वायर क्या माइनस 3 है तो ब्रैकेट में माइनस 3n, ठीक है स्क्वायर। फिर प्लस क्या है, हमारे सूत्र के हिसाब से प्लस है और माइनस 4k का स्क्वायर, बस इतना ही करना है, बिल्कुल यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है फ्रेंड, प्लस 2ab तो 2a कितना है 7m और b कितना है माइनस 3, माइनस 3 क्या है n है। फिर क्या प्लस 2bc तो 2b कितना है माइनस 3n है और c क्या है माइनस 4k है। फिर प्लस क्या है ca है तो 2 माइनस 4k और a कितना है 7m। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से हमने क्या कर दिया सूत्र का मान रख दिया। अब इसको सरल करते हैं तो 7 × 7 = 49m का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस हो जाएगा क्योंकि 3 − 3 का माइनस 3 में गुणा करेंगे तो वो प्लस ही आता है, तो 9n का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी प्लस 16k स्क्वायर, प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि a ये माइनस है, तो क्या होगा 7 × 14 = 42 होता है, 42 क्या होगा mn होगा। ठीक है फ्रेंड, इतना हो गया। उसके बाद ये क्या है प्लस की साइन है तो यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4 × 12 = 24 एन के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 एन के। ठीक है, अब इस पद पर आते हैं तो ये भी क्या माइनस हो जाएगा क्योंकि एक ही माइनस है तो माइनस 7 × 49 कितना हो जाएगा 4 × 8 = 56 के एम। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें इसको सरल करते समय देखते हैं, जो कटता पिटता है काटते पिटते, नहीं कटता है तो छोड़ देते हैं, तो कुछ हम मुझे नहीं लग रहा है करने वाला है। तो 49m² प्लस 9n², ठीक है फ्रेंड, प्लस 16k² माइनस 42mn प्लस 24। इसमें क्या प्लस माइनस बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो अगर कुछ भी गड़बड़ किया आपने तो सवाल गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स
कट जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पहले क्वेश्चन का दूसरा सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए। इसमें भी थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, लेकिन है ये भी बहुत ईजी। तो पहला प्रश्न है दूसरे का क्या है कि एक्स माइनस 2y + 3, इसका होल स्क्वायर और प्लस की साइन है, एक्स प्लस 2y - 3 का होल स्क्वायर। चलिए ये दो है तो दो बार सूत्र लगेगा, एक बार इसमें लगेगा एक बार इसमें। सूत्र कौन सा लगेगा? वही सेम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, प्लस 2ab एक्स माइनस ये 2ab एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस नहीं है मल्टीप्लाई बाई 2y 2ab प्लस 2bc माइनस 2y और c कितना हो गया 3 प्लस 2ca मतलब 3 और एक्स। फिर ये क्या है, एक ब्रैकेट में कर देंगे प्लस। अब इस दूसरे पद का क्या करेंगे, सूत्र पे मान रखेंगे। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, ये हम दूसरे ब्रैकेट में कर रहे हैं, प्लस 2ab 2x और 2y प्लस 2bc मतलब 2y मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, ठीक है, प्लस 2ca मतलब माइनस 3 और x। ये c क्या है, सी ये 3 क्या है, सी है और ये क्या है, एक्स है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए ये जो ये ब्रैकेट में है इसके सामने प्लस की साइन है, तो इस प्लस की साइन इस ब्रैकेट के पूरे अंदर करेंगे। तो कैसे क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। तो इसको पहला पद जो है हम उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लिए, लिख ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y मतलब क्या हो गया, 4y हो जाएगा, 4y का स्क्वायर, और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर। यहाँ पे भी और सरल करेंगे तो माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस क्या होगा, माइनस 4xy माइनस यहाँ पे भी होगा, 3 × 6 × 12y, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 3 × 6x, ठीक है फ्रेंड। अब ये प्लस की साइन है तो प्लस लिख दिया, एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 4y का स्क्वायर, प्लस की साइन प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही होता है, फिर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाता है, तो माइनस 9। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 2 × 4 4xy प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 3 × 6 × 12y, ठीक है फ्रेंड। फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और क्या हो गया, 6x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट तोड़ देंगे और प्लस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये है, लेकिन ये माइनस की ही साइन है, यहाँ पे 3-4 माइनस की साइन है आपके सामने। तो चलिए देखते हैं, माइनस है तो कोई प्लस होगा तो उसमें से कौन कैसे घटता है। तो ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके प्लस प्लस 4y प्लस 4y का स्क्वायर मतलब 8y स्क्वायर, ठीक है। ये क्या 9 का स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये क्या प्लस 9 है, ये माइनस 9, तो ये इससे कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। ये माइनस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस 12y है, ये भी माइनस 12, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, 24y हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस की ही होती है, ठीक है। ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर इतना ही आएगा, नहीं कुछ तो ऐसा है जो बच रहा है, 9 माइनस नहीं होना चाहिए, ये भी 3 × 9 है और ये भी 3 × 9 है, ये प्लस में हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि 9 कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस 3 है, तो माइनस 3 जब 9 होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 × 9 = 18 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल नहीं है, ये सही है, +9 + 9 = 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस को ध्यान देना है, 2x² 8y² प्लस माइनस 2 24y + 18। तो इस तरीके से हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा। चलिए हम दूसरा एक और लगा लेते हैं। अब इसमें दो और बचा है, तो इसमें
एक मैं लगा देती हूँ और एक आपके लिए होमवर्क, जैसे कि मैं ये सेकंड वाला लगा देती हूँ, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए सेकंड वाला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है वो देख के एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, सरल कीजिए, इसमें भी है दूसरे का दूसरा, 3k - 4r - 2m। इसलिए मैं ले रही हूँ कि इसमें माइनस ज़्यादा बार दिया है, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि बोले कि मिस ने सरल वाला कर लिया और हार्ड वाला मेरे लिए सब छोड़ दिया। तो ये मैं लगा देती हूँ, इसके बाद वाला बहुत सिंपल है, वो आप लगाइएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। तो इसमें क्या क्या है, इसको भी सरल करना है, तो एक बार बड़े ब्रैकेट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3a² + b² मतलब 4r² + c² मतलब 2k² प्लस क्या हो जाएगा 2ab मतलब 2 3k, और b कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय b कितना है 4r, 2ab प्लस 2bc, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4r, और c कितना हो जाएगा ब्रैकेट में -2m, ठीक है, प्लस 2ca तो -2m, और a कितना है 3k, ठीक है। ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस की साइन है तो माइनस कर लिया, दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3a² + b² 4r² प्लस c² मतलब 2m का -2m का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 2ab, 2a कितना दिया है 3k, और b कितना दिया है 4r, फिर प्लस 2bc 4r और -2m ब्रैकेट में प्लस 2ca माइनस -2m और a कितना है 3k, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो यहाँ पे 3 × 3 है तो कितना लिखेंगे 9k² फिर क्या हो जाएगा प्लस 16r² प्लस 4m² फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 × 3 = 12 k r फिर क्या हो जाएगा प्लस 4 × 8 × 16 rm फिर माइनस 3 × 6 × 12 mk, ठीक है। ये पहला ब्रैकेट हो गया, और इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद माइनस की साइन है तो माइनस लिख लेते हैं, अंदर का सरल कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 9k² + 16r² फिर क्या हो जाएगा प्लस 4m², ठीक है फ्रेंड। इस लाइन पर आते हैं, प्लस क्या हो जाएगा 4 × 12 = 24 kr प्लस क्या, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा 8 × 16 rm और फिर यहाँ पे भी माइनस होगा कितना 3 × 6 × 12 mk, ठीक है फ्रेंड, इतना हो गया। अब इस माइनस की साइन का इसके अंदर गुणा करेंगे और माइनस की साइन को हटाएंगे और हम क्या करेंगे उसके बाद सरल करेंगे। तो पहले ही वाले ब्रैकेट का सब वैसे का वैसा लिखते हैं, 9k² + 16r² + 4m² -24 kr + 16 rm - 12 mk, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अरे हमें क्या करना है, माइनस की गुणा करना है, तो ये माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये ब्रैकेट नहीं है, -9k² फिर -16r² फिर ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -m 4m² फिर ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा 24 kr, ये भी माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16 rm और फिर प्लस, क्योंकि ये भी माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12 mk, ठीक है। अब इसमें से जो घटता पिटता है तो घटाते हैं, ये प्लस 9k², ये -9k² कैंसिल, ये 16r² प्लस है, ये 16 माइनस है तो कैंसिल, यहाँ पे प्लस 4m², यहाँ -4m² कैंसिल, यहाँ पे भी -24 kr, यहाँ पे भी -24 kr, तो कितना हो जाएगा 24 24 कितना होता है 24 24 × 48 होता है 48, कितना हो जाएगा 48 kr, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। और क्या बचा, ये 16 16 × 32 प्लस है तो
बत्तीस सोलह आर एम और ये भी 16 RM प्लस की साइन है इसके सामने, इसके भी सामने तो जुड़ जाएंगे, आर एम हो जाएगा, ये माइनस के एम है, ये प्लस के एम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें इतना ही बचा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले प्लस वाला लिख दें तो 32 आर एम और माइनस 48 के आर, ये हमारा क्या हो जाएगा इस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस तरीके से जो प्लस था वो माइनस माइनस वाले जो भी पार्ट थे वो कट गए, और जो प्लस है वो क्या हो गया, यहाँ पे हमने उसको लिख लिया इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, आई होप को समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी मोबाइल मेरी हिल गई थी। तो यहाँ पे क्या है, ये 9 जो है के स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है 9 के स्क्वायर क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव था, धनात्मक ऋणात्मक कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस से कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये तो प्लस कैंसिल, बचा क्या 24 के आर और 24 के आर माइनस माइनस, तो ये माइनस 48 हो गया और 16 16 32। तो इसका आंसर इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे का हमने ये क्या दे दिया आपको होमवर्क, तो आप इसको क्या करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछें। तब तक के लिए फ्रेंड बाय।